जय यीशु की। शांति का राजा चैनल के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को जय यीशु की। भाइयों एवं बहनों, हर मनुष्य में दो पहलू होते हैं, एक आध्यात्मिक और एक शारीरिक। शारीरिक पहलू को खुश करने के लिए, सांत्वना देने के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, सुविधाएं हैं। जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए जो फल चाहिए, जो भोजन चाहिए मिलेगा, और हमें जो कपड़े फैशन वाले पहनना है उसका कोई अभाव नहीं है, और जिस तरह का घर हम बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। ये सब सांसारिक सुख के लिए सही है। लेकिन सिक्के का जैसे दूसरा पहलू होता है आध्यात्मिक, उस पहलू को खुश रखने के लिए हमें सही रास्ता चुनना, सही गुरु को चुनना और सही शिक्षा पाना ज़रूरी है। संत योहन बपतिस्ता यीशु मसीह को दिल में स्वागत करने के लिए उसने सबका मन और दिल को तैयार किया। योहन बपतिस्ता के शिष्यों में से एक संत अंद्रेयस, जिनका पर्व 30 नवंबर को हम मनाते हैं आज के दिन, प्रभु यीशु के शिष्य 12 प्रेरितों में सर्वप्रथम इनको बुलाया गया था। जब प्रभु यीशु योहन बपतिस्ता के सामने और उनके शिष्यों के सामने गुजर रहे थे, तब अंद्रेयस को योहन बपतिस्ता ने कहा, देखो ईश्वर का मेमना। वो आखिरी बार उनके गुरु के साथ रहा, उनको छोड़कर वो यीशु के पीछे हो लिए। प्रभु यीशु में ऐसी आकर्षण थी, तब से वो ना केवल यीशु के साथ रहा, उन्होंने पहचाना यीशु कौन है और उनकी शिक्षा को उसने पूर्ण दिल से स्वीकार किया, और यहाँ तक कि उसने अपने भाई पेत्रुस को भी यीशु के संपर्क में लाया। यीशु के प्रेरितों में संत अंद्रेयस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संत अंद्रेयस और उनके भाई ने यीशु से ना कोई चमत्कार देखा, ना उनके मुंह से कोई वाणी सुनी, फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए उनका अनुसरण किया। संत अंद्रेयस के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते। जब संत अंद्रेयस यीशु के साथ थे और यीशु प्रवचन दे रहे थे, लंबे समय तक उनका प्रवचन सुनने के बाद लोग थक गए और वो घर जाना चाहते थे, तब यीशु ने कहा उनको कुछ खिलाओ। उनके पास था कुछ भी नहीं, बाजार भी बहुत दूर था। उस समय अंद्रेयस ने इस विश्वास के साथ कि यीशु कुछ करने वाला है, एक बच्चे के 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु के सामने रखी और प्रभु ने कहा सबको बैठाओ, उस पर आशीष की प्रार्थना पड़ी और रोटियां बांटने लगे। 12,000 लोग या उससे भी ज़्यादा हम कह सकते हैं खाकर तृप्त हुए, संतुष्ट हुए, और भी रोटियां बच गई। ये कैसे संभव हुआ? सिर्फ विश्वास के कारण। और जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, जब तक उस विश्वास को हम पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के सामने प्रकट नहीं करते, जब तक किसी भी परेशानियों से बाहर आना है उस परेशानियों को प्रभु के हाथ में नहीं रखते, उस परेशानी से बाहर आने का दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। अंद्रेयस के सामने जब परदेशी लोग यरूशलेम में आए थे, यीशु से मिलना चाहते थे क्योंकि यीशु के बारे में चर्चा सब जगह चल रही थी, तब अंद्रेयस ने उन लोगों को प्रभु यीशु से मुलाकात कराई थी। अंद्रेयस एक ऐसा व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से अपने प्रभु को प्यार करता, उनमें विश्वास करता और उनके मिशन कार्य को अपना मिशन बनाकर कार्य करने वाला व्यक्ति। स्वभाव से सरल, विनीत
विनम्र भी था। प्रभु येसु के लिए मर मिटने के लिए वो तैयार था। जब वो प्रभु येसु के सुसमाचार को सुना रहे थे स्कॉटलैंड, रशिया और अन्य देशों में, वो पकड़ा गया और लोगों ने उसे इस तरह के क्रूस से, सीधा क्रूस नहीं, एक्स जो हम लिखते हैं उस तरह के क्रूस पर उसको लटकाया। उसको मार डालने वालों का मकसद एक ही था कि वो धीरे धीरे कष्ट सह के मरे। कहा जाता है संत अंद्रेयस प्रभु येसु को इतना प्यार करते था कि उसने एक क्षण के लिए भी प्रभु येसु में विश्वास करना नहीं छोड़ा और उस क्रूस पर उल्टे लटके हुए भी उसने 2 दिन तक प्रभु येसु के बारे में उन्होंने सबको सुनाया और प्रवचन दिया। यह है सच्चा विश्वास। संत अंद्रेयस सच्चा विश्वासी था। उसने मरते दम तक लोगों को सुसमाचार सुनाया। जब उसने उस क्रूस को देखा, उसने कहा, मैं क्रूस पर मरने के लायक नहीं हूं, क्योंकि उस क्रूस पर प्रभु येसु मरा था। आज जब मुझे इस पर मरना पड़ रहा है, मैं उसे प्रणाम करता हूं, गले लगाता हूं। इतना महान था संत अंद्रेयस का विश्वास। आज जब हम संत अंद्रेयस का पर्व मनाते हैं, उनके मध्यस्थ से हम ईश्वर से प्रार्थना करें, जीवन में जब सच्चाई का पथ चुनना है वो हमारी मदद करें। जब जीवन में विश्वास डावाडोल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उस समय प्रभु हमारी मदद करें। जब येसु के लिए साक्षी देने की बात आती है, हम कभी एक इंच भी पीछे नहीं हटे, एक कदम बहुत दूर की बात, एक इंच भी पीछे नहीं हटे, बल्कि उस परेशानी को या उस मृत्यु को या उस साक्ष्य देने के उस साधन को या उस अवसर को हम दिल से, मन से, पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करें, ताकि प्रभु येसु के लिए हमारा जीवन प्रिय साबित हो। संत अंद्रेयस हम सबको स्वर्गीय पिता से आशीष प्राप्त कीजिए। आमीन।